नरसिंहपुर में पानी की समस्या से जूझ रही महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि लगभग 4 महीने से उन्हें पीने के पानी की समस्या हो रही है। ग्राम पंचायत में छुआछूत के कारण ना रोड की सफाई की जाती है, ना नालियों की सफाई हो रही है। वहीं जब भी वह ग्राम पंचायत जाते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा बहाना बनाकर उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। इसी को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाली बर्तन सर पर रखकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए ग्राम पंचायत में हो रही समस्याओं से निदान दिलाने की मांग की है। पानी की समस्या है कि और रोड की समस्या है, नाली की काम भी नहीं मिलता, छुआछूत मानते हैं। वे कहते हैं कि तुम घर जाओ, चालू कर देंगे। काम भी नहीं मिलता पंचायत से, हमें बेका करते ठेका दे देते हैं, तो वही बाहर के आदमी जाके काम करवा देते हैं रोडों को। हमारे कहाँ पानी की मांग है, रोड की मांग है, लाइट की मांग है, नाली की मांग है, काम की मांग है। बड़ा से आया है हम लोगों को पानी की समस्या 4 महीना से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, हम लोगों छुआछूत के कारण रोड की सफाई होती ना नाली की सफाई होती, और दूसरा मतलब ग्राम पंचायत से कभी काम ही नहीं दे रहे। हम जाते हैं ग्राम पंचायत, जाते हैं सरपंच सचिव से कहते हैं, और कभी कभी बोल रहे मिलते भी नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम चालू करते हैं, जाओ तुम लोग, और भगा चलते। मेरे गाँव में ना तो कोई मजदूरी मिलती, ना नल का पानी का, और ना स्ट्रीट लाइट है, और ना नाली साफ हो रही। छुआछूत की भावना क्यों क्यों दलित हैं हम लोग, इसलिए नहीं भावना रखते हैं, ना कोई काम करते हैं, बोले चालू कर देंगे जाओ। और जब सरकार से नल जल योजना चालू है तो यहाँ नल जल योजना चालू करो, करवाओ, ये 100 रुपये महीने मांगते हैं बिल तुम्हारा। पहले बोले तुमको नल नहीं, पानी नहीं देंगे, अच्छा बिल मांगते हैं। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है इस संबंध में, उनका जो आवेदन पत्र के संबंध में सीओ जिला पंचायत पत्र लिख रहे हैं, जांच कराई ली जाती है, जो भी होगा समुचित कार्रवाई सीओ साहब करेंगे।